हाँ जी भैया, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? सुनिए ना, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो छोटू भोजपुरी ऑफिशियल पेज को फॉलो कर दीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो छोटू भोजपुरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आते हैं बात पे। आज मैंने अभी 10 मिनट पहले ऐसे ही यूट्यूब चला रहा था, सर्च कर रहा था कि मतलब पवन सिंह को कौन भाई पीछा करने वाला है। ऐसा आजकल मुद्दा चला है ना, या हरदम चलता है। तो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, उनको न कोई किया है और ना ही करने वाला है। क्योंकि 5 जनवरी वाला गाना अभी भी 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, आप लोग तो जानते ही हैं। तो चलिए, ये तो बात की बात है। अब आते हैं एक ऐसा शख्स, एक ऐसा उभरता हुआ शख्स भोजपुरी इंडस्ट्री का, जो कि मतलब बेचारा गरीब घर से है। वो गरीब घर से है। अब ऐसा ना बोलिएगा कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का ही सपोर्ट कर रहे हैं। इस पे पवन सिंह का तो ज़्यादा आता ही, इस पेज पे देख रहे हैं तो बात की बात है, पेज पे तो आता ही है, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बात की बात है। ये दोनों, फेसबुक पेज और यूट्यूब पे, हम दोनों इसी लिंक के द्वारा हम पवन सिंह का तो बात करते ही हैं। एक और भी आज बात करने वाले हैं कि मैंने एक स्टेज शो सुना कि जो पवन सिंह का बहुत ही करीबी गाना है, और वो लड़का का भी बहुत करीबी गाना है, जिसका नाम है विनय तिवारी। एक और भी गाना उसका मैं गम का सुना, पल में खत्म कर लूँ। इतना सही में लाजवाब बात है भाई, लाजवाब। उस मतलब रियल में लग रहा है कि हाँ, पवन सिंह 2 है एकदम, पवन भैया के अंदाज में एकदम। अब मतलब अब क्या बोले, आप लोग सर्च करके देखिएगा, विनय तिवारी स्टेज शो या विनय तिवारी सॉन्ग, इतना मजा आ रहा है ना, मन गदगद हो जा रहा है। तो प्लीज उस लड़के को भी आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। थैंक्स, जय हिंद।